प्रभु आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर न्योता ना मिलने पर भाईजान का गुस्सा फूटा। प्राण प्रतिष्ठा पर ये क्या बोल गए सलमान खान, अब क्या कदम उठाएगी खान तिकड़ी? आखिर क्यों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर खान को न्योता नहीं दिया गया? क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, जानेंगे इस खास वीडियो में। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ग्रैंड इवेंट होने वाला है और इस दिन का साक्षी बनने के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया है और राम मंदिर के उद्घाटन में राजनीति से लेकर बॉलीवुड, साउथ और टीवी जगत के कई बड़े सितारे शामिल होने वाले हैं। रामलला के आने की खुशी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं 22 जनवरी 2024 के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 3000 से ज्यादा वीआईपी लोगों को न्योता भेजा जा चुका है और इन वीआईपी लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, मुकेश अंबानी, अडानी, रामदेव बाबा का नाम भी शामिल है। इनके अलावा लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ की कई हस्तियों के नाम शामिल है जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और रजनीकांत का नाम सामने आ रहा है। लेकिन चर्चाओं में खबर यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी शाहरुख, सलमान और आमिर खान को न्योता नहीं दिया गया और ना ही इनका नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल है। तो जब टीवी के छोटे पर्दे पर राम सीता का किरदार निभाने वाले किरदारों को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, अब ऐसे में खान तिगड़ी का नाम गेस्ट लिस्ट में ना होना फिल्मी गलियारों का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब तक ना तो बीजेपी और ना ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ये बात साफ हुई है कि आखिर खान तिगड़ी को देश के इतने बड़े इवेंट से दूर क्यों रखा गया। लेकिन अगर अंदाजा लगाएं तो ये कहा जा सकता है कि साल 2019 में जब कोर्ट की तरफ से राम मंदिर बनने का फैसला आया था तो बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने इस खबर पर अपनी खुशी जाहिर की थी। इन हस्तियों में तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबेरॉय तक के नाम शामिल थे। लेकिन खान तिगड़ी से किसी भी अभिनेता ने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया था। एक तरफ जहां ये खान तिगड़ी अपने आने वाले फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए वैष्णो देवी और महाकाल के मंदिर में माथा टेकते हैं, तो वहीं देश के इतने बड़े और अहम मुद्दे पर उनकी कोई प्रतिक्रिया ना आना कई सवाल पैदा करती है। अब ऐसे में राम मंदिर फैसले के बाद देश की जनता ने खान तिगड़ी को राम मंदिर फैसले पर प्रतिक्रिया ना देने के लिए जमकर लताड़ा है और खान तिगड़ी को अपने फैंस के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि जब राम मंदिर फैसले पर खान तिगड़ी को कोई खुशी नहीं है और सलमान खान से लेकर शाहरुख और आमिर खान को राम मंदिर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता भी नहीं दिया जाना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, रेखा, हेमा मालिनी समेत आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसे कलाकारों को भी राम मंदिर ट्रस्ट ने न्योता भेजा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सलमान, शाहरुख और आमिर खान को न्योता ना मिलना कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि खान तिगड़ी को ना बुलाना राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े फैसले पर फिलहाल सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों ने ही चुप्पी साधी हुई है। राजनीतिक गलियारों में विपक्षी दलों से भी कई तरह की खबरें आ रही हैं। राम मंदिर का पूरा कार्यभार ट्रस्ट से ज्यादा बीजेपी सरकार के हाथों में है। योगी के राज में इस तरह की घटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस खबर पर अब तक कोई पुष्टि जाहिर नहीं की गई। बावजूद इसके मीडिया चैनल्स को उनके बयान का बेसब्री से इंतजार है। तो अब देखना ये होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट अपने इस फैसले में क्या बदलाव लाती है और क्या खान तिगड़ी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण भेजा जाता है। इस पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल ना भूलें।